Hello guys, welcome back to my channel. My name is Abhinandan and you are watching The Moving Time. दोस्तों काफ़ी व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि कैसे यूथ सीरीज़ की वॉचेस जो जीशॉक जैसी दिखती हैं उनका कंपैरिजन किया जाए जीशॉक सीरीज़ की वॉचेस के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा कैसे यूथ सीरीज़ की वॉचेस का कैसे जीशॉक सीरीज़ वॉचेस के साथ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाल सब्सक्राइब का बटन उसे प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लेट्स हैव अ क्विक रिस्ट वॉच चेक। तो दोस्तों आज मैंने पहनी है वॉस्टॉक कमांडरूस की, यानी वॉस्टॉक कमांडर। दोस्तों इस चैनल पर जो पहली वीडियो बनी थी वो इसी वॉच के ऊपर बनी थी, तो इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, इसका लिंक मैंने ऊपर कार्ट में दे दिया है। दोस्तों अगर आपका वॉचेस में वॉच कलेक्शन या फिर वॉच रिव्यूज में इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी वॉच आपको कलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी वॉचेस को आपको अवॉइड करना चाहिए, तो मेरी वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों इस कंपैरिजन को मैंने 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और इन 7 पॉइंट्स के बाद मैं अपना वर्डिक्ट रखूंगा कि मुझे कौन सी वॉच सीरीज़ ज़्यादा पसंद है। तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है शॉक प्रोटेक्शन। जी शॉक वॉचेस की जो शॉक प्रोटेक्शन है वो 10 मीटर यानी 30 फीट की हमें स्टैंडर्ड मिलती है। आप कोई भी जी शॉक वॉच परचेज करेंगे किसी भी रेंज की किसी भी बजट की तो आपको शॉक प्रोटेक्शन उसमें स्टैंडर्ड फीचर मिलता है। वहीं दोस्तों यूथ सीरीज़ में ऐसा कोई फीचर हमें देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब यूथ सीरीज़ की वॉचेज अगर आप एक्सीडेंटली ज़्यादा हाइट से गिरा देते हैं या फिर गिर जाती हैं तो उनका डैमेज होने का चांस ज़्यादा है कंपेयर टू जी शॉक। लेकिन दोस्तों यूथ सीरीज़ की वॉचेज भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, नॉर्मल जो डेली वियर एंड टियर होता है उसको ईजिली अब्जॉर्ब कर जाती हैं और ज़्यादा डैमेज इनके ऊपर नहीं होता। दूसरा पॉइंट है वाटर रेजिस्टेंस। जीशॉक वॉचेस में आपको 200 मीटर की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, वहीं दोस्तों यूथ सीरीज़ की वॉचेस में आपको 100 मीटर की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। यानी दोस्तों यहाँ पर 100 मीटर का डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों डे टू डे लाइफ में आपको 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस इनफ है। आप इसको लेकर शावर में जा सकते हैं, रेन में जा सकते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फीचर्स का। जीशॉक वॉचेस में आपको अलार्म, स्टॉपवॉच, वर्ल्ड टाइम, डे डेट डिस्प्ले और LED बैकलाइट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों सेम फीचर्स आपको यूथ सीरीज की वॉचेस में भी देखने को मिलते हैं, यानी फीचर्स के मामले में ये दोनों वॉचेस बहुत सिमिलर हैं। बहुत ज़्यादा इनमें जो फीचर्स हैं वो कॉमन दिए गए हैं, तो फीचर्स के मामले में आप कहीं भी आपको लॉस नहीं होगा कोई भी वॉच परचेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैटरी लाइफ। कैसियो जी शॉक सीरीज और कैसियो यूथ सीरीज की वॉचेस में आपको सोलर पावर और बैटरी पावर वॉचेस का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कंपैरिजन के लिए मैंने बैटरी पावर वॉचेस को लिया है। जीशॉक वॉचेस में आपको 2 से 3 साल की बैटरी लाइफ मिलती है, वहीं यूथ सीरीज़ की वॉचेस में आपको 5 से लेकर 10 साल तक की बैटरी लाइफ मिलती है। यानी यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है यूथ सीरीज़ की वो जीशॉक सीरीज़ के मुकाबले दुगनी है। जैसा कि मैंने बताया कि कैसे हो यूथ सीरीज़ की वॉचेस में और कैसे हो जीशॉक सीरीज़ की वॉचेस में आपको सोलर पावर वॉचेस का ऑप्शन मिलता है, यानी दोस्तों आप सोलर पावर वॉचेस को ले सकते हैं। टफ सोलार के नाम से यहाँ पर पेटेंट डिज़ाइन है कैसियो का। टफ सोलार दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा डिज़ाइन है जहाँ पर वॉच के अंदर सोलर पैनल दिया जाता है जो आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट से बैटरी को चार्ज करता है और दोस्तों आपको बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिफ्थ पॉइंट इज बिल्ड क्वालिटी। कैसियो जीशॉक सीरीज़ की वॉचेस और कैसियो यूथ सीरीज़ की वॉचेस का जो मटेरियल है दोस्तों वो रेजिन है। यहाँ पर जो केस होता है और जो स्ट्रैप होता है वो रेजिन का बना होता है, लेकिन जीशॉक सीरीज़ की कुछ वॉचेस में आपको मेटल का डिज़ाइन देखने को मिलता है जहाँ पर आपको स्ट्रैप और केस दोनों मेटल का मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जीशॉक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेटर है इन कंपैरिजन टू यूथ सीरीज़ की वॉचेस के। लेकिन अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपने प्राइस को देखते हुए यहाँ पर यूथ सीरीज़ की वॉचेस की जो क्वालिटी है वो भी कम नहीं है। आप दोनों में से किसी भी वॉच को परचेज करेंगे तो काफ़ी ड्यूरेबल रहेंगी ये वॉचेस। दोस्तों वॉच का क्रिस्टल या फिर वॉच का जो ग्लास होता है इसकी बात करूँ तो जो जीशॉक सीरीज़ की वॉचेस हैं इनमें मिनरल क्रिस्टल दिया जाता है, वहीं दोस्तों यूथ सीरीज़ की वॉचेस में आपको रेजिन का क्रिस्टल देखने को मिलता है। यानी आपको जीशॉक सीरीज़ में स्क्रैच प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू यूथ सीरीज़ की वॉचेस के। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज़ कंपैरिजन एंड वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस। दोस्तों जीशॉक सीरीज़ की वॉचेस में आपको काफ़ी सारे साइज़ और डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली दोस्तों यूथ सीरीज़ की वॉचेस में भी आपको काफ़ी सारे साइज़ और काफ़ी सारे डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर जी शॉक सीरीज में ज़्यादा डिजाइन अवेलेबल हैं, ज़्यादा कलर अवेलेबल हैं, ज़्यादा लिमिटेड एडिशन जो हैं वो जी शॉक वॉचेज़ में है कंपेयर टू यूथ सीरीज़ के वॉचेज के। तो अगर आपको कलरफुल वॉच चाहिए, काफ़ी चंकी और एक बोल्ड लुक वाली वॉच चाहिए तो यहाँ पर आपको जी शॉक वॉच को लेना चाहिए। यूथ सीरीज़ की वॉचेज़ दोस्तों काफ़ी सटल होती हैं डिज़ाइन के अंदर, काफ़ी इनके लिमिटेड कलर हैं, लेकिन जी शॉक सीरीज़ में दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पर कैसियो ने कलर निकाले हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज प्राइस कंपेरिजन। जी शॉक सीरीज की मोस्ट अफोर्डेबल वॉच DW5600, उसका MRP है 5000 रुपीज़। वहीं दोस्तों यूथ सीरीज की वॉचेस जो जी शॉक जैसी दिखती हैं उनका प्राइस है 3000 रुपये से लेके 5000 रुपये के बीच में। तो यहाँ पर प्राइस का काफ़ी ज़्यादा गैप देखा जा सकता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी वॉच ले सकते हैं। ये तो हुई कंपैरिजन की बात। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे कौन सी वॉचेस ज़्यादा पसंद हैं यूथ सीरीज और जी शॉक सीरीज में से, तो दोस्तों मुझे जी शॉक सीरीज की वॉचेस ज़्यादा पसंद हैं यूथ सीरीज के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों जी शॉक की ड्यूरेबिलिटी, शॉक प्रोटेक्शन, वाटर रेजिस्टेंस और फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ यूथ सीरीज की वॉचेस काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वॉचेस हैं। अगर आपका बजट कम है और आप जी शॉक वॉच को अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूथ सीरीज की वॉचेज भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका बजट 5000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको जी शॉक वॉच लेनी चाहिए। जी शॉक वॉचेज को परचेज करने के रीजंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने ऊपर कार्ट में दे दिया है, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। इसके अलावा चैनल के ऊपर जी शॉक वॉचेज की वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। आई होप ये कंपैरिजन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको वॉचेज में, वॉच कलेक्शन या फिर वॉच रिव्यूज़ में इंटरेस्ट है। आई विल सी यू वेरी सून विद मोर वॉच वीडियोस। टिल देन कीप लविंग योर वॉचेज। इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार, आपके दोस्त और नियर एंड डियर वंस सभी सुरक्षित हैं, आगे भी सुरक्षित रहें। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।